हेलो दोस्तों, मैं शीशदा टेरेस गार्डन रीवा से बोल रही हूँ। दोस्तों, मैंने ये एलोवेरा जेल ये 2 दिन से पानी में गला दिया था, इसके पीस टुकड़े टुकड़े करके, ये देखिए इसके, ये तो ये एलोवेरा जेल है। और ये मैंने लहसुन को, ये दो इतनी मीडियम साइज की 2 लहसुन थी, मैंने उस लहसुन को कूच के छिलके सही पानी में उबाल के ये लिया है। और ये मैं मेथी दाना ली हूँ, ये 2 चम्मच मेथी दाना मैंने 24 घंटा पानी में गला दिया था, तो ये इसका लिक्विड तैयार है। तो ये मेथी दाना का लिक्विड है, ये एलोवेरा जल का लिक्विड है, और ये लहसुन का है। अब इन तीनों को मिला के मैं एक पेप्टिसाइड बनाऊंगी, जो ये फंगस भी दूर करेगा और फर्टिलाइजर का भी काम करेगा। तो दोस्तों, मैं इसमें क्या है, एलोवेरा जल में बहुत अच्छा ये फर्टिलाइजर है का काम करेगा और पेप्टिसाइड का भी करेगा। इसी तरह लहसुन में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो फर्टिलाइजर और फंगीसाइड का भी काम करेगा, और इसी तरह मेथी दाना भी, और ठंड से हमारे पौधे की रक्षा भी करेंगे। इस समय दोस्तों ठंड पाला बहुत पड़ रहा है, लगातार बारिश हो रही है, तो ये देने से, ये तीनों चीज़ का मिश्रण देने से हमारे पौधों की ठंड से रक्षा होगी, इनकी पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, हरे भरे रहेंगे, और कीट पतंगों से, फंगस से मेरे पौधे की रक्षा होगी, और इससे जड़ें इसकी ग्रोथ करेगा। इसमें काफ़ी मात्रा में, इन सब में आयरन, कैल्शियम, कई सारे मिनरल पोषक तत्व होते हैं, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, यानी कुल मिला के ये बहुत अच्छी औषधि का भी काम करेगा, फंगीसाइड का भी काम करेगा, और रूट हार्मोन का भी काम करेगा, और फर्टिलाइजर का भी काम करेगा। तो दोस्तों, मैं इसको उपयोग कैसे करूँगी, अगर 1-2 लीटर पानी में मैं ये 1 गिलास तीनों का मिश्रण मैंने बनाया है, बराबर मात्रा में तीनों को लिया है, ये देखिए 150 से 200 ग्राम होगा, तो मैं 2 लीटर पानी में डाल के और स्प्रे कर दूंगी। इसको हम हल्का स्प्रे के द्वारा अगर पौधों की जड़ों में भी गिर गया तो नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों, लहसुन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और फास्फोरस, आयरन, विटामिन, एंटीबैक्टीरियल, कच्चे लहसुन में गुड़ होता है, और लहसुन में एक तेज दुर्गंध होती है जो कीड़े नहीं आते हैं, और इसकी कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो है पौधों को स्वस्थ रखने में मदद करेगा और अच्छा पोषक तत्व प्रदान करेगा। इसी तरह मेथी दाना भी हमारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसी तरह कैल्शियम, प्रोटीन ये हमारे इसमें भी होता है, एलोवेरा में भी। तो दोस्तों, ये हमारे पौधों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करेगा, हरा भरा स्वस्थ रखेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा।